दोस्तों इजिप्ट में एक बार एक ऐसी महिला की मम्मी मिली जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये बात है 1880 की, जब वैज्ञानिकों की एक टीम इजिप्ट के टीवन टाउन एरिया में एक ऐसी महिला की मम्मी मिली जिसे इन्होंने लेडी राय का नाम दिया। खोज में ये पता चला कि आज से 3500 साल पहले ये किसी क्वीन की नौकरानी या नर्स हुआ करती होगी, जिसकी मौत मात्र 35 साल की उम्र में हो गई। लेकिन इसकी एक बात वैज्ञानिकों को सता रही थी और वो थे लेडी राय के फूलों की तरह सजे हुए बाल। दोस्तों आखिर कैसे आज से लगभग 3500 साल पहले लेडी राय को जिस हेयर स्टाइल के साथ दफनाया गया था, आज तक उनके बाल वैसे के वैसे ही बने हुए थे। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन इजिप्शियन लोग बिल्लियों के मरने के बाद उनकी मम्मी बनाते थे, लेकिन क्या आपने क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ की मम्मी के बारे में सुना है? वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरी 170 क्रोकोडाइल की मम्मी के बारे में। इजिप्ट के उमद परीद इलाके में आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम मम्मी और पुराने खजाने की खोज कर रही थी, लेकिन इन्हें खजाना तो नहीं मिला बल्कि 170 क्रोकोडाइल की मम्मी मिली। और इन सब क्रोकोडाइल की मम्मी के कफन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों इस लिखावट से ये पता चला कि आज से 3550 साल पहले एशियन इजिप्शियन लोग क्रोकोडाइल को अपना भगवान मानते थे।